कल रात को हम गेवरा से पहुंचे हैं जाके 9:30 या 10 बजे, 9:30-10 हो गए थे बिलासपुर। तो बिलासपुर में पहले मैंने मीटअप प्लान करी थी 9 बजे, लेकिन फिर मैंने मैसेज किया कि 9 बजे हो चुके हैं और मेरे को 10 बज जाएगा पहुँचते पहुँचते, तो बेटर वी कीप द मीटअप नेक्स्ट डे मॉर्निंग एट 7:30। तो 7:30 बज चुके हैं, थोड़ा बाहर की तरफ चलते हैं। बिलासपुर में कोई सब्सक्राइबर्स आए होंगे, उनको मिलते हैं। ओ हेलो जी, नमस्ते नमस्ते, हेलो नमस्ते, आइए आइए, प्लीज़ कम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आइए आइए, हेलो बेटा, थैंक यू, नमस्कार नमस्कार, आइए बैठो ना। अरे वाह, ये क्या, ओह सो स्वीट ऑफ यू, नमस्ते नमस्ते, प्लीज़ कम, आइए जी आइए, कहीं भी आ जाओ, खाली हर तरफ। 24th सुबह इस समय हमें सफारी करते होना चाहिए और हमारे पास टिकट नहीं है। सोच लो क्या मतलब, हम लोगों को बोलते हैं प्लान करके जाओ और खुद ही अनप्लान्ड हो गए। आज से लगभग हम 1.5-2 साल पहले नागालैंड गए थे, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से ऊपर हो गया है। तब से हम लोग ने 4K पे शिफ्ट कर लिया, और उसके बाद पहले हम कलर्स पे उतना ध्यान नहीं देते, अब थोड़े कलर करेक्शन कर लेते हैं, ठीक है, तो उससे क्या विजुअली थोड़ा अच्छा लगता है, हाँ बेटर आ रहा है। तो दैट वे मेघालय का एक्सपीरियंस भी बहुत ऑसम था। एक और जगह है मेघालय में, गारो हिल्स, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो। हम लोग गारो हिल्स गए थे, और गारो हिल्स के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, और वहाँ पर एक ट्राइब है, अगर मैं गलत नाम याद नहीं कर रहा, सॉन्स्कारिक बोलते हैं, वो हमने वीडियो में दिखाया था गारो हिल्स, उनके पास मैंने जाके देखा, आज भी टाइम देखने के लिए घड़ी नहीं है, ना उनके पास कोई वॉल क्लॉक है जिसमें वो टाइम देखते हैं। वो मुर्गा कुकड़ू करता है, बांग लगाता है सुबह, तो उससे उनको पता लग जाता है कि सुबह हो गई है, उठ जाओ और खेत में चले जाओ, और बड़े कम लोग बचे हैं। मैंने उसका पूरा बनाया था, अगर आपने गारो हिल्स का मिस कर दिया तो ज़रूर देखना। मेन बात यह है कि आप लोग ऐसा समय निकाल कर आए, इसके लिए धन्यवाद। नहीं, मैं 1.25 साल में दोबारा प्रोग्राम बनाता हूँ, तब हम लोग अच्छे से ये रीजन घूमेंगे। नहीं नहीं, एक्चुअली छत्तीसगढ़ में मेरे को सच बताऊँ, मेरे को पहली बार जब मैं आया था ना आज से 1.5 साल पहले, तब मुझे बस्तर गए थे, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर टूरिज़्म अपॉर्चुनिटी बहुत हाई है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। आज एक बाहर जो दूर रीजन्स हैं, वहाँ किसी को बोलो छत्तीसगढ़ घूमने जाना है, तो वो लोग सवाल पहले करेंगे, जवाब बाद में आएगा कि भाई छत्तीसगढ़ क्यों जाना है, है क्या वहाँ पर। लेकिन रियलिटी में ना, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तो इन प्लेस है, मतलब टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज भी है, इंफ्रा भी है, सिर्फ अवेयरनेस कम है। यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम, अति उत्तम, बहुत बढ़िया, थैंक्स। बिलासपुर से लगभग हमने 25 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ सफ़र किया, बांधवगढ़ जाने का ये रास्ता है। अभी हम रतनपुर आए हैं, यहाँ पर श्री माँ माया का मंदिर है, और ऐसा कहते हैं 52 शक्तिपीठ में से ये एक स्थान है। मंदिर के अंदर जाके अभी हमने दर्शन करे, दर्शन करके मैं ट्रस्ट ऑफिस गया, ट्रस्ट ऑफिस में हमारी मुलाकात संतोष जी के साथ हुई, आप अभी हमारे साथ ही खड़े हैं। संतोष जी, हमें ना इस स्थान के महत्व के बारे में आप जानकारी दीजिए, क्योंकि हमने ये सुना है कि ये 1000 साल पुराना मंदिर है, और कथा क्या है, स्थापना कैसे हुई स्थान की, थोड़ा डिटेल में बताएंगे तो अच्छा रहेगा। और वैसे अभी हम एक तालाब के किनारे ही खड़े हैं, और महामाया कुंड, क्या नाम है, महामाया कुंड, महामाया कुंड, और इस तरफ को मंदिर है। मैंने आपको बताया ना कि हम मंदिर के अंदर गए थे, तो अभी हम थोड़ा बाहर की तरफ आ गए जिससे हमारा ऑडियो क्लियर आए। हाँ जी, रतनपुर जो है चारों युगों की नगरी कही जाती है, मणिपुर, माणिकपुर, हीरापुर, और वर्तमान में यह कलयुग में रत्नपुर के नाम से विख्यात है। तंत्र चूड़ामणि में ये वर्णन आता है लगभग 52 शक्तिपीठ का, उस 52 शक्तिपीठ में रत्नपुर का नाम है। यहाँ माता सती का जो यज्ञ विध्वंस के बाद अलग अलग अंग अलग अलग स्थान पर गिरते गए हैं, इसी क्रम पर यहाँ दायां स्कंद, राइट शोल्डर, इस स्थान पर गिरा हुआ है, इसे कौमारी शक्तिपीठ भी कहते हैं। विश्व में बहुत कम ऐसे स्थान हैं जहां महामाया के तीनों रूपों का दर्शन हो, यहां महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों स्वरूपों का दर्शन अनवरत होता है। मंदिर की स्थापना के संबंध में राजा रत्नदेव के द्वारा यह लगभग 1042 मतलब 11वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो राजा रत्नदेव अगर हम बोल रहे हैं, तो हम कौन सी डायनेस्टी की बात कर रहे हैं?
राजा रत्नदेव हयवंशी कलचुरी डायनेस्टी से थे, कलचुरी वंश से थे। उनका कलचुरियों का मूल राज्य जबलपुर के पास त्रिपुर माना जाता है। तो राजा रत्नदेव एक बार इस क्षेत्र में जर्नी के लिए आए हुए थे, तो वहाँ उन्होंने इस स्थान की जो दिव्यता है या अलौकिक शक्ति है या दैवीय शक्ति है उसका उन्होंने अनुभव किया, और इस स्थान पे उन्होंने माता रानी के प्रेरणा से खुदाई कराया, 3 स्वयंभू मूर्तियाँ प्राप्त हुई, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की उन्होंने मंदिर बनवाया और रतनपुर को राजधानी बनवाया। लगभग 700 साल तक कलचुरियों का यहाँ शासनकाल रहा है। कलचुरियों के बाद यहाँ मराठा आए हैं। अच्छा, रतनपुर तो मराठा में जो आए वो नागपुर से आए, वो लगभग 1742 के आसपास आए। तो तब उन्होंने रतनपुर को ही राजधानी कंटिन्यू किया या क्या किया? मराठा जब आए तो मराठाओं ने रतनपुर को राजधानी तो कंटिन्यू किया, बट रतनपुर के साथ साथ उन्होंने रायपुर को सब कैपिटल बनाया। अच्छा, इसके चलते रतनपुर से रायपुर जो है वो बाद में डेवलप करना शुरू किया है। पर छत्तीसगढ़ के इतिहास में आप देखेंगे तो सबसे लंबे समय तक रतनपुर राजधानी रहा है। एक चीज़ और बताइए, जैसे हम मंदिर में गर्भगृह में जाके जब देवी माँ के दर्शन कर रहे थे तो मैंने वहाँ 2 मूर्तियाँ देखी। एक मूर्ति थी जिसकी हाइट कम थी और उसके जस्ट पीछे दूसरी मूर्ति थी, तो आगे वाली महालक्ष्मी जी की थी और पीछे वाली महासरस्वती। गर्भगृह में जो 2 श्री विग्रह हैं उसमें पहली जो विग्रह हैं माता लक्ष्मी जी की हैं और पीछे जो मूर्ति हैं वो माँ सरस्वती जी की हैं। अगर हम माता जी का दर्शन करें तो आज के समय के हिसाब से या उसकी व्याख्या करें तो महालक्ष्मी जी की मूर्ति थोड़ी नीचे है और महासरस्वती जी उनकी तुलना में थोड़ी ऊपर है, अर्थात धन नीचे है, ज्ञान ऊपर है। और जब मंदिर की स्थापना की गई थी उस समय यहाँ 3 मूर्तियाँ थीं। ऐसी मान्यता है कि राजा महारेंद्र शाह के समय इस मंदिर से माता काली की मूर्ति का उन्होंने लिया करके कोलकाता में स्थापित करा दिया। कुछ लोग कोलकाता से वापस आते हैं, उनका भी कहना है कि हमको वहाँ बताया जाता है कि ये मूर्ति छत्तीसगढ़ रतनपुर से है। अच्छा, तो इसका ऐसा हम समझ सकते हैं कि 1042 में जब यहाँ पे राजा रत्नदेव ने महामाया का मंदिर का निर्माण किया और खुदाई करवा के मूर्ति स्वयंभू प्रकट हुई, तो उस दौरान 400-500 वर्ष तक यहाँ पर 3 मूर्तियाँ थी और लगभग 500 साल तक, 1042 से लेकर के 1554 तक लगभग यहाँ 3 मूर्तियों की अनवरत पूजा होती रही। अच्छा, आज भी माता काली की पूजा होती है बट प्रतीक रूप में होती है। गर्भगृह में जो दीवारें हैं उनको देख के लग रहा था बहुत प्राचीन है ये। जो मंदिर का वर्तमान स्वरूप है उस स्वरूप में कोई भी प्रकार की कोई भी नई कलाकृतियाँ नहीं की गई हैं, मात्र फ्लोर में ही टाइल्स लगा दिया गया है, बाकी जितना वास्तुकला जो पुराना था वो एज इट इज़ है। मंदिर की बनावट 1000 साल पुरानी है। मंदिर के सामने का जो मंडपम है वो जरूर 15वीं शताब्दी में एक बार रिनोवेट हुआ है। देखा जाए तो बड़ा प्राचीन स्थान है। 1000 साल किसको बोलते हैं, मतलब जनरेशंस बीत गई। जी जी, है ना जी। उसके अलावा कोई चेंज नहीं, बड़ी यात्रियों की आस्था जुड़ी हुई है, क्योंकि आपसे मिलने से पहले मैं कुछ यात्रियों से मिला था यहाँ पर, अंदर बात कर रहा था उनसे समझने के लिए, तो बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं। लगभग सर यहाँ 2 नवरात्र महत्वपूर्ण है, वसंत और चैत्र नवरात्र। उन दोनों नवरात्र में लगभग 7-8 लाख लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। अच्छा, बड़ा मेला लगता है। अच्छा, न केवल छत्तीसगढ़ या हिंदी बेल्ट के लोग, अदरवाइज आपके वेस्ट बंगाल, गुजरात, बिहार, तमिलनाडु, लगभग भारत के किसी भी इलाके से, हर इलाके से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। बहुत यहाँ मानता स्थान। नवरात्र में मनोकामना ज्योति कलश स्थापित की जाती है। लगभग 31,000 कलश, 31,000 मनोकामना ज्योति कलश 9 दिन तक अखंड प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक, जो पूरे विश्व में वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इतनी संख्या में किसी देवी मंदिर में अखंड कलश नहीं रखा जाता। दीपदान लोग कर देते हैं, 2-5 मिनट का दीपदान करना अलग बात है, पर अखंड कलश के रूप में 31,000 कलश किसी मंदिर में प्रज्वलित नहीं होता, ये विश्व रिकॉर्ड है। अच्छा, तो यहाँ पर ऐसा कुंड एक और भी है ना? ये कुंड पीछे है। अच्छा, क्योंकि हमने जब गाड़ी जहाँ पार्क करी उसके हम कुंड के साइड से निकल कर यहाँ तक आए। ये दूसरा कुंड है। ये दूसरा कुंड है। दो कुंड है। संतोष जी, धन्यवाद, आपने समय दिया और हमको बहुत अच्छे से जानकारी दी। धन्यवाद। पानी तो लो, तब तक इनके स्टाफ को बुला के चाय कॉफ़ी बोल देते, नहीं तो हम लोग लेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। कोई है नहीं भैया? हाँ, पहले बता, कोल्ड ड्रिंक कौन लेगा या जूस कौन लेगा? आप लोग का है बच्चे खा के, तो हम भी आए हैं, हम भी तो कुछ खाया था, सुबह दोपहर में भी कुछ खाया था,
लेकिन जूस या कोल्ड ड्रिंक में से क्या पसंद करोगे? वीडियो बना लेना बेटा, बोलो ना फटाफट। कोल्ड ड्रिंक बेटा, दो कोल्ड ड्रिंक। एनी दर एल्स फॉर कोल्ड ड्रिंक या सबका टी? बाकी सब चाय वाले। बेटा आप, वेरी गुड, गुड बॉय। हमें ना कल सुबह सफारी करके 10:30 बजे तक हम फ्री हो गए, 11 बजे तक फ्री हो गए। एक चॉइस तो हमारे पास ये है कि हम वहाँ पर विलेज टूर करें बांधवगढ़ में, थोड़ा बांधवगढ़ में और एक्सप्लोर करें, घूमें, और रात को रुककर परसों सुबह मैयर होते हुए जबलपुर जाएं और 4 बजे की ट्रेन नहीं फ्लाइट पकड़ लें, जो कि मुश्किल है क्योंकि मैयर में नाना करते भी 1.5 से 2 घंटा लगेगा। नहीं तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं आप। कैसे बताओ? क्योंकि देखिए आप 10:30 बजे फ्री हो जाएंगे वहाँ से, विलेज टूर आपका ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे का रहेगा, 3 से 4 घंटे का। सर एक बार वो शिप से अंडमान चले जाते तो हम भी देख लेते, तो उसी हिसाब से बुक करते। शिप से कहाँ से जाता? विशाखापट्टनम जाएगी। विशाखापट्टनम से अंडमान बाई शिप जाऊँ? बाई शिप। अब अगला टूर मेरा शिप का विचार बन रहा है, अंडमान से विशाखापट्टनम से अंडमान। हाँ, और चेन्नई से भी चलती है। 3 दिन लगते हैं। हाँ वो लोग चला रहे अभी, श्रीलंका भी चालू कर रहे हैं वो लोग। चलो धन्यवाद, थैंक्स, डन डन डन, ओके ओके जी, बाय बाय, ओके बेटा बाय। अच्छा जी बाय। हम लोग ताला जोन के पास में MPT का प्रॉपर्टी है मध्य प्रदेश टूरिज्म का, हम रात को यहीं पे रुकने वाले हैं। तो अब रूम तक हमें कौन लेके चलेगा? अच्छा भैया लेके जाएंगे। और ये ना इन्होंने अनपॉलिश मिलेट्स यहाँ डिस्प्ले पे रखे हुए हैं, मैंने पूछा है, कह रहे हैं अभी सेलिंग स्टार्ट नहीं हुई, फिलहाल ये डिस्प्ले पे है, तो कुछ टाइम में सेलिंग स्टार्ट होगी। 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, सही है, इंटरेस्टिंग। आओ कितने यहाँ पे रूम्स वगैरह हैं? 38। हम रूम तक पहुंच चुके हैं। ये रूम जो आप अभी देख रहे हैं इसका टैरिफ 5,500 है। मैं स्टाफ से पूछ रहा था, इन्होंने बताया कि टोटल हमारे पास 38 रूम है अलग अलग कैटेगरी में मिला के, तो उनमें से जो हम जिस एकोमोडेशन में रह रहे हैं ये मिडल एकोमोडेशन है। जैसे हर जगह होता है ना सीज़न ऑफ सीज़न, उस प्रकार से टैरिफ डायनेमिक रहते हैं। अभी पीक सीज़न चल रहा है जंगल सफारी का, क्योंकि मई मंथ में एनिमल विजिबिलिटी अच्छी खासी रहती है। यहाँ पर हमने जो एकोमोडेशन ली है, हमें MP टूरिज़्म ने कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे करवाई हमारे लिए, थैंक यू सो मच टू MP टूरिज़्म फॉर दिस। जगह अच्छी लग रही है, क्योंकि अभी तो जैसे मैं अंदर आया हूँ तो आते सारी मेरे को ऐसा फील हो रहा है बहुत स्पेशियस, ऐसा कोई तंग हिसाब किताब नहीं है, दैट फीलिंग इज़ गुड। और अच्छी बात यह है कि जो ताला जोन है, जो कि कोर जोन है, उसके बगल में ही है, ऐसा समझ लीजिए कि हार्डली 200-300 मीटर डिस्टेंस पर प्रॉपर्टी है। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि कुछ देर रिलैक्स करते हैं, फिर डिनर करेंगे और आज की दिन की जर्नी डिनर पे एंड कर देंगे। थोड़ा सा बाहर देख लेता हूँ अंधेरा होने से पहले, अगर कुछ दिखता है तो आपको दिखा देता हूँ। अभी अंधेरा होने में समय बाकी है, थोड़ा एक बार बाहर टहल के आ जाते हैं। आठ बज गया, डिनर हम यहीं पे कर रहे हैं। जब तक डिनर लग रहा है ना तब तक सूप पी लेते हैं। ठीक है, तो जो सफारी करने जाते हैं उनको आप ब्रेकफास्ट पार्सल देते हो ना कटोरी, तो पार्सल आपके सारे सुबह 5 बजे रेडी हो जाते हैं। 5 बजे रात को 3 बजे स्टार्ट करते हैं, बड़ी मेहनत है यार। हलवा बाद में लेंगे, दही रहने दो, चपाती मेरे को, तवा चपाती है, तवा चपाती दे दो।
आलू करेला बाकी मस्त है। ये जो बुफे मील हम यहाँ पर खा रहे हैं ना, इसका चार्ज है 500 रुपीज़ पर पर्सन। प्रिपरेशन अच्छी है, मेरे को खास तौर पे आलू करेला वाकई बहुत पसंद आया है। बाहर ना फोक डांस हो रहा है, तो हम क्या करते हैं 10-15 मिनट में फूड फिनिश करके बाहर चल के बैठेंगे, फिर फोक डांस को देखेंगे। रात के 9:30 बजे हमारा दिन आज एंड हो रहा है। अभी हमने जो फोक डांस देखा, मेरे को देखकर काफ़ी अच्छा लगा। ऑलमोस्ट 45 मिनट से 1 घंटे तक फोक डांस चलता रहा, 5-6 डिफरेंट परफॉर्मेंसेस हुई। और भी काफ़ी गेस्ट थे जो इस प्रॉपर्टी में रुके हैं, वो भी बैठकर एंजॉय कर रहे थे। मैंने पता लगाया है यहाँ पर ना MPT फोक डांस वंस इन ए वीक करवाता है, लेकिन अगर किसी का ग्रुप आया हुआ है बड़े साइज़ का और आप करवाना चाहते हो तो रिसेप्शन में बोल दो, तो वो लोग बाहर से टीम बुला लेती है ऑन अ पेड बेसिस और फोक डांस यहाँ पर हो जाता है। बाकी कल बांधवगढ़ वाइल्ड लाइफ सफारी के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। काफ़ी लोगों ने बोला था मुझे कि जब आप बांधवगढ़ आएंगे ना टाइगर सफारी देखने के लिए आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पर टाइगर साइटिंग के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। और वैसे भी अभी हम पीक सीजन में हैं, कीपिंग आर फिंगर्स क्रॉस्ड, क्योंकि टाइगर साइटिंग कितनी भी ज़्यादा हाई चांसेस, और स्टिल इट्स अ मैटर ऑफ लक, कभी होता है कभी नहीं होता। थोड़ा फीस के बारे में बता देता हूँ, हमने जो यहाँ पर टाइगर सफारी करने के लिए फ़ीस दी है, 2450 फीस होती है परमिट की, 3,050 रुपया लगता है जिप्सी का, और जो गाइड जिप्सी के साथ जाता है उसका चार्ज होता है 480 या 600 रुपीज़। मैं दो ग्रेड बोल रहा हूँ, मैं दो किस्म के गाइड होते हैं, तो उसका हमने 600 रुपीज़ चार्ज दिया। तो जिप्सी कल सुबह यहाँ पर 5:50 तक आ जाएगी, 5:30-6 बजे सफारी स्टार्ट हो जाएगी। और वैसे जो टाइमिंग्स होते हैं वो तो आई थिंक 11:30 तक रहता है, फिर जैसे आपकी साइटिंग अगर जल्दी होगी, आप सेटिस्फाइड हो तो जल्दी लौटाओ, अदरवाइज़ आप अच्छे से जंगल घूमो। तो आज का ये एपिसोड हमारा यहीं पे समाप्त हो रहा है। कल की जो हमारी सफारी राइड रहेगी वो आप अगले एपिसोड में देखोगे। अब मैं आपको यहीं पर बाय बाय कर देता हूँ। थैंक्स फॉर योर टाइम।